हमारी टिक्की रेडी है। ये होंडा की तरफ से एक नई बाइक लॉन्च हुई है भाई, बड़ी स्मूथ चल रही है, काफी मतलब सही है। फाइनली मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे बहुत ही प्यारे गाने बजते हैं तो गाने सुनने में अलग ही मजा है यहाँ का। Hey everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ Alex Park, आप लोग के साथ फिर से और निकलेंगे आज थोड़ी देर में घर से। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। आज हम लोग जाएंगे सबसे पहले अपना चश्मा लेने। ये चश्मा काफी ज्यादा धुतला है, इसमें बहुत ज्यादा स्क्रेच है। ये 2 साल पुराना चश्मा है, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि पुरानी चीजें कभी नहीं फेंकनी चाहिए, पुरानी चीजें काम आती है। एंड फिर हम लोग जाएंगे अपने मोबाइल का स्क्रीन कार्ड चेंज कराने। मैंने पबजी खेल के इसका पूरा स्क्रीन खराब कर दिया है, मतलब काफी स्क्रैच आ गए। वैसे मैं दिखाया था पर दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें ही शूट करता हूँ इस वजह से। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद जाते हैं बाहर को। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलेगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मास्क को बहुत टाइम हो गया था, ये अब फट भी चुका है नीचे से। मैंने नया मास्क ले लिया अभी। ये वाला मास्क ज्यादा सही लग रहा है उस वाले मास्क से, वो नीचे से फटा हुआ था अच्छा लग रहा। और मास्क लगाना जरूरी है दोस्तों क्योंकि कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप लोग को भी ध्यान देना, हमको भी ध्यान देना है। थोड़ा सेफ्टी से रहना, अपना अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखना और अपना खास तौर से ख्याल रखना। बदलते हैं, बड़े हैं अपनी एलेक्सा के साथ। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे चश्मा लेने, फिर उसके बाद जाएंगे अपना मोबाइल सही कराने हल्का सा। पहुंच गए हम लोग शॉप में, अभी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कौन सा चश्मा लेता हूँ मैं। वाली शॉप में तो मेरा नहीं, अब दूसरी शॉप में आए हैं यहाँ पे। ये थी चश्मे की तीसरी दुकान, यहाँ पे भी मेरी पसंद का चश्मा ही नहीं मिला। वो भैया भी गए हैं घर में और कह रहे हैं कि घर से स्टॉक लेके आते हैं। भाई अपनी पसंद तो ऐसी है, किसी को समझ में नहीं आती है। अभी एक भैया आया तो उनने मुझसे कहा कि एलेक्सा के तुम्हारी बिकाओ है। मैंने कहा नहीं भाई, एलेक्सा को कौन बेचेगा अपनी यार, वो मेरी जान है। चश्मे के लिए भी इतना सर्वाइव करना पड़ रहा है, भैया अभी तक आए नहीं है, 5 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ बैठे बैठे। भाई चश्मा तो हाँ मिला ही नहीं, 5-5 दुकानें छान मारी एमबीपीजी कॉलेज में, मुझे एक चश्मा पसंद नहीं आया। एंड में स्क्रीन कार्ड लगवाने जाते हैं, अब स्क्रीन कार्ड मैंने डलवा लिया फोन में, अब चश्मा ढूंढने निकलते हैं। फाइनली मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले वाला ज्यादा बेटर नहीं था लेकिन ये थोड़ा सही लग रहा है। अभी मैं विशाल मेगा मार्ट के बाहर आया हूँ और मुझे जीन्स वगैरह लेनी थी, तो देखते हैं अंदर कुछ अगर जीन्स अच्छी मिलती है तो। ये है अपना विशाल मेगा मार्ट, ऑफर चल लूंगे आजकल तो यहाँ काफी कम भीड़ है अभी यहाँ पे। न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज्यादा थी, अभी बहुत कम लोग हैं। अरे मैंग, अरे ओहो हमारा मोहित भाई आ गया है, और क्या कर रहे हो विशाल में? हमारे मैंग भाई, ये भी हमें यही मिला है अभी विशाल मेगा मार्ट में, ये भी शॉपिंग करना है। नीचे तो सब लड़कियों का सामान मिलता है, हम ऊपर जाएंगे क्योंकि हम बॉयज हैं। सेकंड फ्लोर में हमारे हमको जीन्स वगैरह मिलेगी और टी शर्टें वगैरह मिलेगी, वहीं पे देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है। तो मैंग भाई टी शर्टें पसंद नहीं आ रही मुझे, ये तो सबसे बेकार ही लगता मुझे यार, मुझे ब्लैक पसंद है यार। मैंग भाई अपने साथ और जीन्स का स्टॉक यहाँ पे है, हम लोग देखते हैं कोई जीन्स। मैंग भाई क्या ले रहे हो? ठंड में टी शर्ट पहनेगा क्या तू? ठंड में टी शर्ट पहनेगा ना, अंदर के लिए सही है फिर भी। क्या जीन्स देखते हैं यार, आई डू जीन्स गेट वन कैजुअल शर्ट फुल स्लीव्स चेक्स फ्री MRP 399। एम साइज कहाँ पे यार? अबे इस साइड ही होंगे यार, देख 28 तो मेरे बैक साइड में थे यार। भाई जीन्स में तो कोई पसंद ही नहीं आ रही, सब अजीबी टाइप के कलर है, न्यू टाइप कुछ नहीं आया स्टॉक, सब पुराना पुराना स्टॉक लग रहा है। सबसे बुरी जीन्स ये वाली लगती है मुझे, कुछ खास है नहीं। हुड वगैरह देख लेते हैं, जैकेट वगैरह देख लेते हैं। ये है लेदर की जैकेट जो कोई खरीदता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसकी मतलब पता नहीं क्या हो गया है, किसी को पसंद ही नहीं आती अभी वाली जैकेट। ये वाला हुड कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, सही है, बढ़िया है, ट्राई कर ले, यहीं पर कर ले यार। कुछ पसंद नहीं आ रहा, पीला हरा ये तो फौजी कलर है, बेकार। भाई यहाँ भी कुछ खास नहीं है, सब लाल पीला हरा नीला, बिल्कुल ही बेकार, बहुत ही बेकार। आधा घंटा हो चुका है हमें शॉपिंग करते करते, मगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ले क्या। टी शर्टें पसंद नहीं आ रही, हुड पसंद नहीं आ रहा। ओहो क्या कर रहे हो जिम, जिम लवर्स यहाँ पे जिम लवरों की कमी नहीं है। इतने सारे कपड़े तो समझ नहीं आता है ले क्या, इससे बढ़िया कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लो या फिर मार्केट में थोड़ी सी एक शॉप में जाओ, वहाँ थोड़ा
सही होता है डिसाइड करना। अब इतने सारे कपड़ों में क्या डिसाइड करेगा इंसान। फाइनली हम एक जीन्स लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोगों ने जीन्स डिसाइड कर लिया, अब जीन्स ले लेते हैं और चलते हैं। जैसे मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है बिल्कुल ही। कलर भी सही लग रहा है, कलर भी सही है। उसको फिटिंग विटिंग करानी पड़ेगी थोड़ा, हम कर लेंगे बाद में। मैंग भाई और कुछ लेना है क्या? देखते नीचे यार, ऊपर कुछ खास पसंद नहीं आया, जीन्स ही लिया मैंने खाली। चश्मा भी ले लिया, शॉपिंग भी कर लिया, टेम्पल भी लगवा लिया, अब खाना खाता हूँ, बहुत तेज भूख लग गई है। शाम के 5 बज चुके हैं और थोड़ा बाहर को घूम के आते हैं। अब ठंडा काफ़ी पड़ने लग गया और दिन भी थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब लेट में अंधेरा हो रहा है हल्का सा, 5-10 मिनट। और मम्मी लोग लाए हैं समोसे, अब समोसे खाएंगे। और इसको देखो, जब मेरा टाइम पास नहीं होता तो मैं केएफसी के बाहर आ जाता हूँ और विंटेज में बैठता हूँ। जो रेड लेवल हिमालय रेड बुल जैसे करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत ही प्यारे गाने बजते हैं, तो गाने सुनने में अलग ही मजा है यहाँ का। इंग्लिश गाने भी आते हैं, पंजाबी गाने आते हैं, मतलब सब मिक्स कराते हैं, रोमांटिक से रोमांटिक गाने गाते हैं। बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है यहाँ पे बैठ के। बस इन ही रुक सकते हैं यहाँ पे, भाई का फोन आ चुका है, अब हेडल वापस जाना पड़ेगा। गाने सुनने में अलग ही मज़ा आ रहा है यार भाई। हल्द्वानी में नाइट में घूमने का मज़ा ही कुछ और है, अलग ही मज़ा आता है एकदम ही। मयंक भाई वेलकम बैक। ये होंडा की तरफ से एक नई बाइक लॉन्च हुई है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आपको भी एक्साइटमेंट हो रही कि नया यार होंडा एक जाना माना शोरूम है और उसकी बाइकें जब निकलती है तो मज़ा आता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये है आपकी हैंड होंडा की, आपकी 350 आपकी। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्पोर्टी लुक मिल जाएगा, टायर काफ़ी चौड़े ले दिए इसमें, पीछे का टायर देखिए इसमें बड़ा ही ब्रॉड है, बिल्कुल आपकी रॉयल एनफील्ड को फेल कर दिया इसने। क्योंकि एक्चुअली क्या है इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, पहला तो पहली बात। दूसरा इसमें ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह और आपका मोबाइल चार्जिंग दे रखा है, और साउंड इसकी वही बुलेट की तरह ही है। और आपकी लाइट वेट है गाड़ी, है 350 है, पर आपको ये चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होगी। ये देखिए, बाकी इसका ऑन रोड प्राइस जो पड़ रहा है हमारा, यह है 2,40,000 ऑन रोड। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको एलेक्स भाई बताएंगे। बाकी इसमें दो लाइट है, एलईडी वाली वाइट वाली, और इसमें दो टाइप से मतलब लाइट है, नीचे ऊपर, और इंडिकेटर डबल पहले से ही है, आपको मॉडिफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। पार्किंग लाइट पहले से ऑन है इसमें। काफ़ी अच्छी बाइक लगी, बुलेट का ऐसा मॉडल है वैसे एक तरीके से। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया तो एक टेस्ट ड्राइव ले ही लेते हैं इसकी भी। अब तुम्हारा बाइक चलाएगा एक नई बाइक। अब एलेक्स भाई इसकी राइड लेंगे, अब देखते हैं इसका फील। ये एलेक्स भाई, और एलेक्स कैसा लगा बाइक चला के? अभी स्मूथ चल रही है, अच्छा लग रहा है। सही है ना बाइक? हां ओके ब्रो, चलो फिर। मैं बाइक में थोड़ी एक चीज अलग सी है, वो है कि उसका हॉर्न जो है वो ऊपर है और नीचे इंडिकेटर का है, और सेल्फ भी ऊपर है, और सेल्फ वैसा है मतलब बटन टाइप का, हल्का सा एक्टिवा में आने गया उस टाइप की बाइक है, लेकिन मजा आया चला के और काफी स्मूथ चल रही थी। अगर आपको लेनी होगी तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे और कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जो इस बाइक को लेने में इंटरेस्टेड है तो वो हमें बता सकता है, कमेंट में लिख सकता है। अभी हम लोग थोड़ा ऐसी वॉक के लिए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा घूमते हैं आगे को। अभी हम लोग आए हैं टिक्की खाने। करण भाई क्या खाओगे आज? हम खाएंगे पानी के बसाते हैं। आप पानी के बसाते खाओगे? मैं तो टिक्की खाऊंगा, टिक्की पसंद है। टिक्की बन रही है अभी यहाँ पे गर्मा गर्म। बहुत तो भाई हमारे बहुत प्यारी टिक्की बनाते हैं, टिक्की बन रही है हमारी। इसमें दोनों डालना, हमारी टिक्की रेडी है और करण भाई के लिए लगाए जा रहे हैं गोलगप्पे। अरे बड़ा हंस रहे हैं। हाँ मीठा खट्टा सब डाला यार। करण भाई यहाँ को देख के, यहाँ को देख के खाइए।
कैसा है, कैसा है फ्लेवर, कैसा है? करण भाई जा रहे हैं घर को और इंजॉय करा आज इनके साथ ही थोड़ा सा। बाय करण भाई, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। पहुंच गए घर में, अब खाना खाते हैं, भूख जैसे लग गई है ना, आप भी खा लीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एंड थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर माय वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहिए रोज सुबह एक्स पाका चैनल को। बाय बाय।